तुष्टीकरण का राजनीति बोले हमारे जो समस्या देश का सामने है सारा समस्या एक एक करके कल तो गृह मंत्री जी ने सदन में बताया कैसे कश्मीर का समस्या उन्होंने शुरू किया पीओके का समस्या कश्मीर का समस्या तुष्टीकरण का समस्या सारे समस्या गांधी परिवार को थोड़ा भी आर एस दे दीजिए अपने आप समाधान हो जाते ठीक है आ... यहां पर आप वीआरएस देने की बात कर रहे हैं गांधी परिवार को राहुल गांधी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर आंसर किया गया है और उनका यह कहना है कि बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं नेहरू जी तो जेल में रहे और उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं अरे नेहरू जी भी जेल में रहे गांधी जी भी जेल में रहे जेल का तो इश्यू नहीं है ना जेल का बाद वाला इश्यू है यह जो अभी धीराज साहू आप देख रहे हैं ना उड़ीसा में सांसद उनका पिताजी भी जेल में थे फ्रीडम मूवमेंट का समय तो मैं फ्रीडम मूवमेंट में कौन जेल में था वो नहीं है आप जेल में निकालने का पटेल जी का जगह में आपको बैठने का मौका मिला प्रधानमंत्री फिर आप देश के लिए क्या किया डिबेट उधर से शुरू होता है फ्रीडम मूवमेंट का समय में तो डिबेट नहीं है डिबेट बाद में होता है और ये एक राहुल जी का ये भी एक गलत बात है जैसे वो बताते हैं नेहरू जेल में था क्या वल्लभ भाई पटेल जेल में नहीं था गोपीनाथ बरडोले जेल में नहीं था सुभाष बोसो जेल में नहीं था तो उनका खाली उनका नाना का याद है हमारा सारे लोगों का याद हमारा है डिफरेंस वही है ना